गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं संस्कृत का पांचवा पाठ कुटुंबानुरुक्ति पाठ पढ़ा रही हूँ। तो कुटुंबानुरुक्ति का अर्थ होता है पारिवारिक का प्रेम। ये भास के मध्यम व्याय योग से लिया गया है। सबसे पहले मैं इसका पाठ का परिचय पढ़ूँगी, तो इसका ध्यान से आप लोग सुनिए। संस्कृत नाटक कार्यसु प्रमुखेन महाकवि भाषेन नाटकान् कवित्वम् इति उक्ति चरितार्थ कृत्वा त्रयोदशानि नाटकानि विरचितानि। तो ये इसमें इसका पहली लाइन का मैं अर्थ बताऊंगी। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। अब इसमें दिया हुआ है इति उक्ति चरितार्थ कृत्वा, इस उक्ति कहावत को चरितार्थ करके 13 नाटक की रचना की गई है। तो 13 नाटकों के नाम दिए हुए हैं। तानि चा दूत वाक्यम, करणभारम, दूत घटोकतच और मध्यम व्याय योग, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमारिकम, प्रतिमान नाटकम, प्रतिज्ञा योग गंधम नारायणम, स्वप्नवासवत्तम, चारुदत्त चेति। तो 13 नाटकों के ये नाम दिए हुए हैं। तो अगली लाइन, अंशो अयम भास प्रीडितात् मध्यम व्यायोग इति ग्रंथान इहित। यह अंश भास के द्वारा रचित मध्यम व्यायोग रूपक से लिया गया है। नीचे वाली लाइन, अंशे अस्में प्रस्तुत यत यदा घटोत्कचेन वर्धार्थम एक ब्राह्मण परिवार समादिता, तदा सपरिवारस्य सर्वे सदस्य स्वपरिवार क्रम अन्यान सदस्यान मोक्तुम स्वप्राणोत्कर्ष कर्तुम च कथम उदिता भवति। तो इस अंश में प्रस्तुत ये किया गया है कि घटोत्कच के मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा है। ये जी घटोत्कच एक राक्षस है, अपनी माँ का व्रत खुलवाने के लिए। थोड़ा स्टार्टिंग में ही ये इसमें पाठ के परिचय में बता देते हैं, जिससे ये नाटक जो दिया गया है आप लोगों के अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो घटोत्कच है एक राक्षस है, इसने इसकी माँ का व्रत रहता है, जो राक्षसनी रहती है। घटोत्कच राक्षस है, उसकी माँ राक्षसनी है। तो व्रत खोलने के लिए वो अपने पुत्र से कहती है, किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ और उसको खाकर मेरा व्रत खुलेगा। तो उसी पर ये सारा पूरा चैप्टर दिया गया है। तो ये उसने वो व्रत खोलने के लिए उसने एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा है और अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए पूरा परिवार एक दूसरे के लिए कैसे तैयार है, तो उसके बारे में बताया गया है। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव का ये अंश प्रकट किया गया। ये नाटक के उस पर आधार पर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से अब थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वृद्धा हंत निराशमा, हाय हम निराश हैं, भवतु पुत्र। पहले मैं इसके यहाँ से एक नंबर तक पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ बताऊँगी, फिर अर्थ बताऊँगी, ठीक है। तो अंत निराशस्मा भवतु पुत्रो व्यावाश्रय इशे तान तावदेनम, प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रणम, वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थी खलु प्रार्थना, भवतु पश्यामश्यवत भुवो पुरुष असत्यस्मांकं मोक्षम। घटोत्कच मोक्षो अस्मि समायता, वृद्धा का समय घटोत्कच अस्मि मे तत्र भवति जननी, तया अयम मघ्यापत पुत्र ममोपवासना निशगार्थ स्म अस्मि प्रदेशे कस्मि मानुष प्रतिगृहत नित्यम इति, तयो मया अयुष्यादितो भवान पतन्या चरित्राशालिन्या द्वि पुत्रो मोक्षमिच्छसि बलावलम परज्ञाय पुत्रमेकं विसर्ज। अब मैं इसमें कठिन शब्दों के अर्थ पहले बताऊंगी, उसके बाद इसके अर्थ बताऊंगी। तो हंता माने होता है हाय, और भवतु माने अच्छा, तावदेनम माने तब तक, इससे ही, और व्यावाश्र इसे माने होता है निवेदन या विनती, अलम माने वस होता है, निवेद प्रत्यर्थी माने होता है मुक्ति की या मोक्ष की कामना, और पश्यामश्यवता देखें तब तक, अत्यस्मांकम मोक्षम क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है, समयता यानी शर्त से,
तया हम ज्ञता, तो इसका तीन भागों में संधि करके शब्द बना हुआ है, तया प्लस अहम प्लस आज्ञप्त, उन्होंने मुझे आज्ञा दी। ममोपवास निशाकर्थम, मेरे उपवास के पारण के लिए। प्रतिग्रह नित्यम, खोज कर लाओ। आसादिता माने पकड़ा है, बलावलम माने होता प्रिय या अप्रिय, प्रिय और अप्रिय सॉरी। परिज्ञा माने जानकर। अब इसका हम एक एक लाइन का हिंदी में बताएंगे आप लोगों को। हंता निराशस्मा, हाय हम निराश हैं। भवतु पुत्र व्यय आश्रियते तावदेनम, अच्छा पुत्र तब तक हम इससे विनती करें। आगे सेकेंड लाइन, प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रमेण, बस बस परिश्रम व्यर्थ है। वृद्ध पुत्र निवेद प्रत्यर्थी खलु प्रार्थना, पुत्र प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी। भवतु पश्याम पश्यामश्या तावता, अच्छा देखें तब तक पुरुष। भो भो पुरुष अतश्य मांका मोक्षम, तो आगे वो वृद्ध कहता है क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। घटोत्कच मोक्षो अस्ति समयता, हाँ एक शर्त पर मुक्ति हो सकती है आपकी। वृद्ध का समय कौन सी शर्त। घटोत्कच अस्ति ते तत्र भवति जननी, मेरी आदरणीय माता है। तया अहम अज्ञापता, उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र। ममोपासना निसर्गा थम अस्मन प्रदेशे, मेरे उपवास पारण व्रत खोलने के लिए इस वन प्रदेश से कोई मनुष्य को खोज कर लाओ। ततो ममा अयोशादितो भवान, अतः मैंने आप लोगों को पकड़ा है। अब नीचे की लाइन जो श्लोक में दी हुई है, पतन्या चरित्रशालिनता द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसे, तो इसमें दिए यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और दो पुत्रों सहित छुटकारा पाने की इच्छा रखते हो तो बलावलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय, तो किसी जो तुम्हें ज़्यादा प्रिय है या कम प्रिय है उनमें से कोई एक को मुझे दे दो। राक्षस कहता है उनसे, ब्राह्मणी से, तो यानी पुत्रों की माँ से। तो वृद्धा अहम भो राक्षसा पसद किम अहम ब्राह्मणा, ब्राह्मणा श्रुत बांधव वृद्धा पुत्र शील गुणा गुणान्वितम पुरुषदस्य तत्वाय कथम निवृत्तो ताम नुमयायम। घटोत्कच यदर्थो द्विज श्रेष्ठा पुत्रमेकम न मुज्जसी स कुटुंबोक क्षणनेव विनाश मुपो यास्यसी। तो यहाँ तक हम आपको पहले कठिन शब्दों के इतना पढ़ा के बताऊंगे, फिर उसके बाद अर्थ बताएंगे। अहम ये लिखा ह, ह माने ओ, राक्षसा पसद माने होता क्रूर राक्षस, श्रुतवान माने होता है शास्त्रज्ञ, और शील गुणान्वितम माने होता है गुणशील संपन्न। पुरुषदस्य का अर्थ होता है मनुष्य को खाने के लिए ये खाने वाला मानव भक्षी, और निवृत्तम होता है शांति को, दत्वात मन मन देख कर मैं, और आपनो या मन होता प्राप्त करूँगा, और यदर्थो मन होता है यदि मेरे मांगे हुए, मुझसी मन होता है छोड़ेंगे, छड़े नेव मन होता शीघ्र, उपयाश्यसी का होता है हम प्राप्त होंगे। तो इसका मैं पहले अब अर्थ बताएंगे पहले, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो वृद्ध से स्टार्ट करेंगे। वृद्ध अहम भो राक्षस पर, तो वो कहता है अहम राक्षस पद किम अहम ब्राह्मणम, तो वो कहता है ओ क्रूर राक्षस दूर हट, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो नीचे वाली लाइन का ब्राह्मणा श्रुतवंता व्रत पुत्र शील गुणान्वता, मैं एक वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न पुत्र को मनुष्य को खाने वाले यानी मानव भक्षी यानी राक्षस को देने कर क्या मैं शांति प्रदान प्राप्त कर सकूंगा, क्या मैं खुश रह सकूंगा। आगे घटोत्कच कहता है नीचे वाला श्लोक है यदर्थो द्विज श्रेष्ठ, ये आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया था, हे द्विजोत्तम
तो कहता है, हे दुर्योत्तम, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम दे दोगे तो शीघ्र ही कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त होगे। अगर तुम कह रहे हो दोनों में से हम एक भी पुत्र नहीं देंगे तो तुम्हारा परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा, अगर एक पुत्र को दे दोगे तो मैं पूरे परिवार को छोड़ दूंगा, ऐसा राक्षस वो वृद्ध से कहता है, बूढ़े ब्राह्मण से कहता है। तो आगे मैं पढ़ती हूँ। वृद्ध कहता है, ऐसा एव मैं निश्चय, तो बूढ़ा वो कहता है ऐसा मैंने निश्चय किया है। आर्य ब्राह्मणी कहती है, ऐसा एव निश्चय कृत कृतम शरीर में परिणामेन जर्जरम, वो कहता है मेरा शरीर तो पूरा जर्जर हो गया है। तो यहाँ से वो बताती है, राक्षस सामनौ सुतापेक्षी होश्यामी विदिशंश कृतम, ब्राह्मणी आर्य माम एवं पति मात्रम धर्मणि पति व्रतेम नामम गृहित फले तेनेन शरीरार्थे कुलम च रक्षमिच्छामि घटोत्कच भवति न खलु स्त्रीजनो अहम भी मत्तस्य स्त्रा भवत्या ब्रद अनुगमश्यामि भवन्ता। घटोत्कच आब्रद स्तम परस्पर प्रथम भूतस्तार ब्रह्मीम खलु ताव कितम इष्यति। तो इसमें कहता है ब्रद ब्रूहि शीघ्रम। तो आगे इसमें जो दिए हुए हैं इसके मैं पहले इसके अर्थ बताऊंगी, उसके बाद कठिन शब्दों की पहले अर्थ बताऊंगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वो कहता है बूढ़ा भक्तम आप असर माने दूर हटो, भवंतम माने आपके, और ये अनुगमिष्यामि माने चलूँगा, जर्जम माने बूढ़ा होता है, सुतापेक्षी माने पुत्र की अपेक्षा करने वाला, कृत कृत्यम यानी जिसके द्वारा समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हों, और परिणाम माने होता है वृद्धावस्था के कारण। माम एवं ऐसा मत कहो, पति मात्र धर्मणि यानी पति व्रता स्त्री के लिए। तो आगे इसका हम पूरा पहली लाइन का अर्थ बताएंगे। तो ऐसा एव मैं निश्चय, ऐसा मैंने निश्चय किया है, नीचे वाले कृत कृत्ता शरीरम परिणाम मैं जर्जरम, पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर की राक्षस की क्षुधा अग्नि में आहूति कर दूंगा, यानी स्वयं को मैं आहूति कर दूंगा, उस राक्षस को खिला दूंगा। राक्षस सावनी सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्करण, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। पूरा शरीर मतलब मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं अब किसी काबिल नहीं हूँ, तो मैं राक्षस को अब मतलब अपने आप को खिला सकता हूँ। और अब वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर, जर्जर यानी बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ है, फिर ऊपर वाली के लिए। ब्राह्मणी आर्य माम एव, तो आगे कहती है आर्य ऐसा ना कहो, तो उसकी पत्नी कहती है आर्य मतलब अपने पति से कहती है आर्य ऐसा मत कहो, पति मात्र धर्मणी पति प्रत्येत नाम, पति व्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है। गृहित फलेन शरीरार्थ कुलम रक्षस मिच्छामि, उसकी रक्षा करना हर प्रकार से मैं रक्षा करूंगी, इस कृत्य कार्य अपना ये पूरा करूंगी, शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। वो अपने पति से कहती है तुम राक्षस को नहीं दोगे अपने आप को, मैं अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए मैं अपने आप को राक्षस को दे दूंगी। तो पत्नी कहती है, तो उसमें घटोत्कच कहता है भवती, भवती माने होता देवी, ना खलु स्त्री जनो अहेत मितिश तस्थ भवत्या, देवी मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किसको मतलब बुलाया था, पुरुष को बुलाया था, कोई मानव हो तो मानव का भक्ष्य करके यानी भक्षण करके ही उनका व्रत खुलता। तो वो कहती हैं तो आपकी मतलब आप तो स्त्री हो, आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे। तो वृद्ध कहता है अनुगमश्यामी भवंता, मैं ही आपके साथ चलूँगा। तो बूढ़ा जो पिता था पुत्रों का वो कहता है मैं ही, राक्षस से कहता है मैं ही आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच आप वृद्ध स्त्वात परस्पर, अरे बुढ़े तुम दूर हटो। तो वो कहता है बुढ़े तुम तो दूर हट जाओ, तुम आगे मत आओ। तो यहाँ तक का ये हो गया, फिर आगे का हम ये पहला संस्कृत का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कठिन शब्द, फिर अर्थ बताएंगे। फिर ये स्टार्ट यहाँ से करते हैं, प्रथम पुत्र से भू स्तार ब्रुहित खलु ताव किच्छति, वृद्ध ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, प्रथम पुत्र
मम प्राणे गुरु प्राणानि निच्छामि परिश रक्षितुम रक्षरार्थ कुलेश्याय मुक्तम महर्ति माँ भवान। द्वितीय पुत्र आर्य मामेव ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितराणाम चा सुसुप्रिय तत्तोह अहम एव याश्यामि गुरु वृत्तेन शनि स्मरणम। तृतीय पुत्र आर्य मामेवम ज्येष्ठो भ्राता पितृशम कथितो ब्रह्मावादितम बाधवी तदो अहम कर्तुम्बम इश्यहरो गुरुणा प्राणरक्षणम घटोत्कच अह स्वजनम वात्सल्यम इति निष्कारता सर्वे। तो इसके कठिन शब्दों के पहले मैं अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। तो ब्रूही से स्टार्ट करते हैं। तो वृद्ध का ब्रूही माने होता है कहो, प्राणे माने होता है प्राणों को देकर, परिरक्षितुम माने होता है रक्षा करना चाहता हूँ मामा ने मुझको, कुल श्याश्य माने होता है इस शेष कुल की, सुसंप्रिय होता है अत्यंत प्रिय, यश्य यशमामी माने होता है जाऊँगा, गुरु वृत्तम माने पूर्वजों के आदर्शों का, ब्रह्मवादभी माने होता है ब्रह्माज्ञ महर्षियों ने, अहर माने होता है योग्य, तत्व अहम माने होता है इसलिए मैं। तो इसका प्रथम जो पुत्र है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मम प्राणे गुरु प्राणम इच्छामि परिवचितम। तो आगे वो कहता है ओ पिता मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वृद्ध कहता है जल्दी कहो, ब्रूही ब्रूही शीघ्र यानी जल्दी जल्दी कहो। अब प्रथम पुत्र मम प्राणे रक्षी, अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों और बड़ों की रक्षा करना चाहता हूँ। ये लिखा है प्राणे गुरु प्राणे इच्छामि, मैं अपने मतलब प्राणों को देकर गुरु और बड़ों जनों की रक्षा करना चाहता हूँ। नीचे रक्षणार्थ कुलश्याय मुक्त मिहर्त माँ भगवान, अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए। द्वितीय पुत्र क्या कहता है आर्य माम एव, आर्य दूसरा पुत्र कहता है आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितराणाम स्वप्रिय, जो ज्येष्ठ यानी सबसे घर का जो पुत्र होता है ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में सबसे पूजनीय होता है और माता पिता के लिए भी बहुत प्रिय होता है। पहली लाइन का हो गया, सेकंड लाइन का तत्व अहम मेह, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही राक्षस की जो क्षुधा है भूख है जिससे उसका व्रत खुलेगा उसके लिए मैं ही जाऊंगा। तृतीय पुत्र आर्य मामेव, तो हे आर्यो नहीं ऐसा नहीं। तीसरा वाला पुत्र कहता है ज्येष्ठो भ्राता पितृसम, जो घर का जो सड़ा सबसे बड़ा पुत्र होता है पितृसम यानी पिता के समान, कथ तो ब्रह्मवादित है ऐसा ब्रह्माग ऋषियों ने कहा है, ततो अहम कर्तुम महर्षियो गुरुणा प्राण रक्षणम, अतः मैं ही अपने पूज्यों के प्राणों की रक्षा करने योग्य हूँ। घटोत्कच अह स्वजनम वात्सल्य, वो जो राक्षस था आपस का प्रेम देख के वो भी आश्चर्यचकित हो गया, वो कहने लगा आह इनका परिवार का प्रेम धन्य है। इति निष्कारता सर्वे, और इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है, और जहाँ भी आप लोगों को लगे कि मुझे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, और सब पूरे अच्छे से पढ़ना, और आगे का जो एक्सरसाइज है।